आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू डिजायर के बारे में, जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है BS6 में। तो उसमें कुछ चेंजिंग की हैं जिससे लोगों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है, और कुछ चेंजिंग ऐसी हुई हैं कि जिससे लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो सबसे बड़ा चेंजिंग ये हुआ है जिससे लोगों को बुरा लगेगा, वो है इसका डीजल इंजन। डीजल इंजन कंपनी ने हटा दिया है, सिर्फ पेट्रोल में मिलेगी आपको डिजायर। तो थोड़ा बुरा लग सकता है जिसको डीजल में लेनी थी, या डीजल में जो लोग पसंद करते हैं डीजल में, क्योंकि अच्छा माइलेज मिलता था। तो डीजल इंजन हटा दिया गया है। मारुति सुजुकी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर बताया है कि डीजल इंजन हटा दिया गया है, सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलेंगे। तो पेट्रोल में कौन कौन से वेरिएंट मिलेंगे, कौन कौन सी फीचर्स मिलेंगे उनमें, और क्या उनकी प्राइस होने वाली है, तो वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और फ्रेंड अगर आप न्यू न्यू गाड़ियों का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पर आपको डेली न्यू न्यू गाड़ियों का रिव्यू मिलता है। और फ्रेंड इस चैनल पर आपको जल्दी डिजायर का रिव्यू मिलेगा। सबसे पहले इसके वेरिएंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे। जो इसका बेस है LXi, उसके ऊपर आपको मिलेगा VXi, और सेकंड टॉप मिलेगा आपको ZXi, और टॉप मिलेगा आपको ZXi+। और इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। तो तीन में आपको ऑटोमेटिक का मिलेगा, VXi, ZXi, ZXi+। LXi में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो टोटल आपको 7 वेरियंट मिलेंगे, जो तीन होंगे आपके ऑटोमेटिक और चार आपके मैनुअल होंगे। तो अब इसके चेंजिंग के बारे में बात करते हैं, गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है पहले से। तो सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल लुक की बात करते हैं, तो फ्रंट प्रोफाइल लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। जो इसकी ग्रिल है पहले छोटी आती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है, जिससे गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देख सकते हैं पहले की गाड़ी और अभी की गाड़ी कितना डिफरेंस है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसकी अगर हेडलाइट की बात करें, तो जो हेडलाइट इसमें आपको मिलेगी हेलोजन हेडलैम्प, और इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलेगी। तो जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प होंगी वो आपको ZXi, ZXi+ में मिलेंगी, और जो इसकी हेलोजन है वो आपको मिलेंगी LXi और VXi में। तो इसके साइड में चलते हैं, साइड में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो साइड में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, देखने में कुछ भी आपको फर्क नहीं लगेगा पहले की गाड़ी से और अभी की गाड़ी से। लेकिन जो चेंजिंग हुआ है वो है सिर्फ आपको एलॉय व्हील में थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है देखने में, और कुछ भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पर मिल जाएगा, बॉडी कलर यहाँ पर ORVM दिए गए हैं। और अगर इसके टायर की बात करें, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील मिलेंगे, जो आपको ZXi और ZXi+ में, और इसमें आपको स्टील व्हील मिलेंगे आपको VXi और LXi में। और अगर इसके टायर साइज की बात करें, तो आपको 14 इंची के आपको टायर मिलेंगे LXi और VXi में, और 15 इंची के टायर मिलेंगे आपको ZXi और ZXi+ में। और इस गाड़ी की डायमेंशन की बात करें, तो वो सेम ही रहेगी जितनी पहले गाड़ी आती थी, उतनी ही आपको इसमें भी आपको उतनी ही लेंथ, हाइट और विथ मिलेगी। तो डायमेंशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। तो इसके बैक में चलते हैं, तो बैक में भी कुछ भी ऐसा चेंजिंग नहीं हुआ है, देखने में कुछ भी आपको चेंजिंग नहीं मिलेगा। और बैक का सबसे ज़्यादा चेंजिंग ये है कि इसमें आपको वेरियंट लिख कर नहीं आएगा कि ये VXi है या LXi है, कंपनी ने बंद कर दिया है। सिर्फ आपको डिजायर लिखा हुआ दिखेगा और कुछ भी नहीं, सुजुकी का लोगो, और पीछे में आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाती है, और कुछ भी नहीं है। तो वेरिएंट का नाम हटा दिया गया है, वो क्यों हटा दिया है पता नहीं है। मारुति की हर गाड़ी में आपको वेरिएंट का नाम नहीं मिलेगा। अगर इसके बूट की बात करें, तो आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा है, सेडान गाड़ी है 5 सीटर, तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलेगा आपको। अगर इसके इंजन की बात करें, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा BS6 में 4 सिलेंडर के साथ, जो आपको मैनुअल में माइलेज मिलेगा 23 का, और आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा 24 का। तो माइलेज काफ़ी अच्छा है पेट्रोल में, अगर डीजल में बंद हो गई है तो माइलेज आपको पेट्रोल में अच्छा मिलने वाला है, ले सकते हैं पेट्रोल में, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा माइलेज है ये 23 और 24 का। तो इसके इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, जैसा पहले आपको डैशबोर्ड मिलता था पूरा इंटीरियर आपको वैसा मिलेगा। जो इसकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में आपको थोड़ा चेंजिंग मिलेगा, पहले से थोड़ी आपको अच्छी स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग पर आपको एक तरफ आपको मिलेंगे वॉल्यूम के कंट्रोल, दूसरी तरफ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो वो भी आपको सेम मिलेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन मिलेगा उसमें आपको। बीच में MID मिल जाती है, जिसमें आपको गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। और अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो इसमें आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो प्लेयर मिलता है, जो आपको सपोर्ट करेगा नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक और IDO, वीडियो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एप्पल कार प्ले, वॉइस कमांड। तो हर तरह के इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे। कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि जो आपको LXi और VXi में देखने को नहीं मिलते हैं, जो आपको ZXi और ZXi में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, वो आपको LXi या VXi में देखने को नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको रिमोट कीलेस एंट्री,
चारों पावर विंडो, रियर में आपको एसी मिलेगी और रियर में आपको दो कप होल्डर मिलेंगे। तो गाड़ी काफी अच्छी है देखने में, अंदर से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है। डुअल एयरबैग मिलेंगे। अब अगर इसके प्राइस की बात करें, एक शोरूम दिल्ली, तो जो इसका बेस मॉडल है LXi, उसकी प्राइस पड़ेगी आपको 5,89,000, और जिसका सेकंड VXi उसकी पड़ेगी आपको 6,79,000, और इसमें आपको जो ऑटोमेटिक में आती है ये VXi में, तो उसकी आपको पड़ेगी 7,31,500, और जो ZXi है इसकी पड़ेगी आपको 7,48,000, और ZXi में आपको ऑटोमेटिक में पड़ेगी आपको 8,05,000 रुपये। टॉप मॉडल है ZXi प्लस, उसमें आपको पड़ेगी 8,28,000, और ZXi में जो आपको ऑटोमेटिक में मिलेगी उसकी प्राइस पड़ेगी आपको 8,80,500 रुपये। तो ये कुछ प्राइस थी एक शोरूम दिल्ली। तो आपको 7 वेरिएंट मिलेंगे, जो आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे जो आपको मैनुअल में, और 3 वेरिएंट मिलेंगे आपको ऑटोमेटिक में, जो VXi, ZXi, ZXi प्लस। और इसमें आगे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ डीआईएल फॉग लैम्प, ये आपको ZXi, ZXi प्लस में आपको देखने को मिलेंगे, और जो LXi VXi है उसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलेंगे, डीआईएल नहीं मिल सकते। अब ये पता नहीं है, आने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या इसमें फीचर्स प्रोवाइड करती है कंपनी। तो कुछ फीचर्स हैं ऐसे कि जो आपको LXi और VXi में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ZXi, ZXi प्लस में देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको एलॉय व्हील हो गए, आपको एलॉय व्हील की साइज होगी, जैसे आपको 14 नंबर के आपको इसमें मिलेंगे LXi और VXi में, और 15 के मिलेंगे आपको ZXi और ZXi प्लस में। तो काफी सारे फीचर्स हैं। रियर में एसी मिलेगी आपको, डुअल एयरबैग मिलेंगे। जैसे ही शोरूम में गाड़ी आती है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा डिटेल रिव्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।